जैसे कि आज हम आपको मेट्रोनिडाजोल टेबलेट इंजेक्शन और सिरप के बारे में बताएंगे ये मेडिसिन किस प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने में उपयोग किया जाता है और इस दवा का डोज यानी खुराक कितनी मात्रा में देनी चाहिए और इसके मेनली साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसका पूरा डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे जैसे की हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल के टेबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में की ये मेट्रोजिल नाम से टेबलेट और फ्लेजिल नाम से काफी पॉपुलर मेडिसिन है जैसे की ये आपको चार सौ और दो सौ के स्ट्रेन पे आसानी से मिल जाएगा जैसे कि हम आई वी इन्फ्यूजन की बात करें तो ये मेट्रोजिल नाम से आई वी इन्फ्यूजन आता है जैसे कि हम अगर सीरप की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल के कई सारे कम्बिनेशन में आपको सीरप मिल जाएंगे जो काफी इफेक्टिव होता है जैसे कि अब चलिए जान लेते हैं मेट्रोनिडाजोल टेबलेट इंजेक्शन सीरप हम और इन्फ्यूजन का उपयोग कहाँ कहाँ किस रोग की समस्या में किया जाता है जैसे कि अगर स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है कीड़ा मकोड़ा काट लेता है या फिर वैसे भी आपके स्किन पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है और जैसे कि माउथ में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है या फिर गम में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तब भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है जैसे कि डेंटल दांतों में किसी प्रकार का एबसेस हो गया हो तब भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है डेंटल कंडीशन जैसे कि लेडीज में पीआईडी की प्रॉब्लम है कंडीशन में ये मेडिसिन का उपयोग किया जाता है इंटरनल इन्फेक्शन की समस्या में भी इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर करते हैं अब बात करते हैं हम इसके डोज की डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार से डोज कैलकुलेट करके दिया जाता चलिए जान लेते हैं की जो इसका डोज निर्धारित किया गया है 20 से लेकर 30 एम पर, केजी पर के पर डे ओरली के हिसाब से दिया जाता है या तो आप सुबह शाम भी दे, दे सकते हैं पंद्रह पंद्रह एम जी करके जैसे कि हम बात करते हैं आई बी की तो पंद्रह एम जी पर के जी आई बी वन आई बी वन दे सकते हैं जो इसकी मैक्सिमम डोज होता है वो तो एक ग्राम इसका मैक्सिमम डोज होता है चलिए इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट जान लेते हैं जो ज्यादातर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जैसे की जैसे की आपको ऐसा महसूस होगा जैसे की आप बीमार है आपको आपके शरीर में हमेशा लूज पना रहेगा और जैसे की स्टमक में पेन रहेगा और जैसे की सांस लेने में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम की समझ समस्या हो सकती है और जैसे कि आपका जो हार्ट रेट है वो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है और आपको हेडेक की समस्या हो सकती है अगर ये सब समस्या ये सब साइड इफेक्ट अगर आपको देखने को मिले अगर ये सब आपको लक्षण दिखे तो तुरंत ये दवा बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें